तो गाइस ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो अभी देखो गाइस यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 6.44 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 17.71 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 8.13 करोड़ का इनकम। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी ने अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 3.62 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 3.57 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 20.78 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 43.78%, दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 79.84% एंड अनफॉर्चुनेटली मार्च 2022 की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है क्योंकि मार्च 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया था, मतलब यहाँ का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 2.82 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 14.85 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 13.82 करोड़ का प्रॉफिट इज अप्रॉक्सिमेटली 13.82 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 0.04 की, दिसंबर 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 0.2 की एंड मार्च 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 0.19 नेगेटिव में। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओरिएंट ग्रीन पावर ने मार्च 2023 के क्वार्टर में मैक्सिमम जगह पे ही नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, सिर्फ और सिर्फ तीन जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो तीन जगह है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट एंड ईपीएस। अभी देखो गाइस एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन एंड यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर तो हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर देखा जाए तो चार में से तीन ग्रोथ कंपनी की पॉजिटिव में है। सो एट द एंड ऑफ द डे ओरिएंट ग्रीन पावर ने मार्च 2023 के क्वार्टर में ठीक ठाक ही परफॉर्म की है। तो अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो FY 2023 में ओरिएंट ग्रीन पावर ने अप्रॉक्सिमेटली 37.43 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 31.65 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 34.6 करोड़ का खर्चा किया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 51.43 करोड़ का खर्चा किया था। अभी अगर यहाँ से इन दोनों ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 7.56% एंड अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया था, मतलब यहाँ का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है।
तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 3.14 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 21.73 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह मतलब बाकी प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है FY 2022 के कंपेरिजन में। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 0.04 की एंड FY 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है -0.29 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है FY 2022 के कंपेरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में ओरियंट ग्रीन पावर ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है कंपेयर टू FY 2022। सो एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है एंड मार्च क्वार्टर में भी कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है मतलब अबव एवरेज परफॉर्मेंस दिखाई है इन मार्च 2023 की क्वार्टर एंड FY 2023 में। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।